जी कालू साहब जी, मुर्शद मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जेबी का ना जी, तो अब मैं बताता हूँ फैक्ट्री अनलॉक जो फोन होता है ना वो तो एप्पल स्टोर से मिलता ही हर किसी को फैक्ट्री अनलॉक है। ठीक है, ठीक है ना, वो बाइस से आप जहाँ से मर्जी परचेज करें वो तो मिलेगा ही फैक्ट्री अनलॉक। और मुर्शद क्या क्वेश्चन आपका? मेरा ये क्वेश्चन है कालू साहब, कुछ लोगों को पता ही नहीं, बैकवर्ड एरिया में चले जाए ना जैसे ये मंडी बावलदीन है उधर जेबी फैक्ट्री लोगों को पता ही नहीं, नॉन पीडी ले लेते हैं, उनको यही होता है जेबी भी नॉन पीडी है फैक्ट्री भी नॉन पीडी। नहीं नहीं, जो होता है ना जेबी नॉन पीटी है और फैक्ट्री नॉन पीटी, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। जबकि एक मिसाल है कि आपने कोई भी फैक्ट्री अनलॉक नॉन पीटी फोन लिया, उसको आप अगर पीटी अप्रूव कराते हैं तो आप आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान में तो वो चलेगा ही चलेगा ना, बाहर भी जाकर चलेगा। जो होता है ना भाई जेबी होता है वो तो वो भी हो जाता है ना, वैसे पीडीएफ हो जाता है जेबी, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री नहीं चलेगा, उसकी सिम तो चलेगा ना, बस सिम नहीं चलेगा, लेकिन सिम नहीं चलेगी क्योंकि जो फैक्ट्री अनलॉक है ना इससे आपने कभी भी धोखा नहीं खाना। जो फैक्ट्री अनलॉक होगा ना उसके अबाउट के अंदर जाएंगे ना उधर, फोन ऑन करता हूँ मेरा, दरअसल लगा भी प्राइवेसी ग्लास हो रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा करीब करके बताइएगा, ये इधर आए जरा मुझे जी सेटिंग कह रहे हैं। जो फैक्ट्री अनलॉक होगा ना उसमें आपने जाना है अबाउट में जी, ठीक है, अबाउट में जाके जो फैक्ट्री अनलॉक होगा उसके आगे ये लिखा होगा नेटवर्क, ये देखिए ये देखिए प्रोवाइडर लॉक, आगे लिखा होगा नो सिम रिस्ट्रिक्शन, ये देखिए नजर आ रहा है ना। और जो होगा ना जेबी फोन उसके अंदर होगा ये लिखा होगा सिम लॉक, सिम लॉक, तो इससे आपने कभी भी धोखा नहीं खाना। ये मेरी वीडियो आप देख लें सारे भाई, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं अपने भाइयों को इसी तरह ही बताता रहूंगा, मैं कभी भी अपने प्यारे कस्टमर्स भाइयों को धोखा खाने नहीं दूंगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी इसकी नई नई अपडेट के हवाले से बताता रहूंगा अपने भाई को, और हर चीज की एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, ये जी कालू आया है, कालू आज हमें बताएगा जेबी फोन क्या होता है और अनलॉक क्या होता है, बताएं जी कालू साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी भाईयो, क्या हाल चाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है, दरअसल ना आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं फ्रेश नहीं हूँ। तो भाई का ये सवाल है कि वो कह रहे हैं कि ना जेबी और फैक्ट्री में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जेबी और फैक्ट्री में क्या फ़र्क है। जब जो होता है ना बाहर कंपनियाँ ना आईफोन कंपनी वो दूसरी कंपनी को ना मोबाइल देती है इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, तो जब उनकी वो किस्तें जो है ना वो पूरी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाती है ना तो फिर वो फ़ोन हो जाते हैं अनलॉक हो जाते हैं। तो जब उसके फ़ोन इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती तो फिर हो जाते हैं लॉक फ़ोन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं जेबी, ठीक है। और कालू साहब मुझे ये बताएं, जेबी सिम में जेबी सिम जो जेबी फोन होता है ये बाहर सिम चलती है, इधर क्यों नहीं चलती? वो मुर्शद इस तरह होता है ना कि जैसे इधर जैज वारद टेलीनार उधर भी इस तरह ही इनकी सिमें वगैरह होती हैं, तो वो जब वो डालते हैं तो वो उधर हो जाता है, जब वो इधर पाकिस्तान या कोई भी कंट्री उधर सिम कंट्री लॉक हो जाता है, फिर इस वजह से फिर ये मामला जैसे इधर जैज कह लें आप भारत यूफोन टेलीनार जिस तरह इधर इसी तरह ही बाहर होता है, तो इसको कहते हैं जेबी। तो कालू साहब ये अनलॉक क्या होता है, फैक्ट्री अनलॉक? फैक्ट्री अनलॉक मुर्शद ये जो बाहर से फोन सारे क्लियर होते हैं फोन